चुकी है नहीं, और उसके अलावा जो है फिरदौस आशिकवान साहिबा जो है वो आउट हो चुकी हैं, शिबली फराज साहब जो है वो इन हो चुके हैं। तो ये सारे मामला जो है वो चल रहे हैं। आसिम सलीम बाजवा साहब भी जो है वो आज ये लोग जो है वो हलफ उठा लेंगे। और इसके अलावा जो है ये एक अच्छी चेंजिंग्स हैं, और इसके अलावा जो है वो क्या मामला होंगे वो भी हम करेंगे। लेकिन अभी हम न्यूज़ की तरफ चलते हैं, और आज की न्यूज़ में सबसे पहले जो हमारे पास खबर है वो सिंध के हवाले से है कि सिंध किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा और तनख्वाह अदायगी यकीनी बनाई जाएगी। तालीमी इदारों की 20% फीसें जो हैं वो माफ़ कर दी जाएंगी। अब फीस में रियायत अप्रैल मई के लिए है, और बिजली गैस रिहायशी इमारतों को पानी के बिलों घरों के किरायों में रियायत मिलेगी। और सूबाई काबीना ने सिंध को एमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया। ये जो इनका काबीना का सिंध जो एमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस है ये भी जारी हो गया, और इस ऑर्डिनेंस का इतलाक यूटिलिटी सर्विसेज के तमाम इदारों पर होगा। अब ये सारी चीज़ें ये एक अच्छी खबर है सिंध के हवाले से। जो ये सिंध हुकूमत का एक बड़ा इकदाम जो है वो सामने आया है कि उन्होंने जो है वो लोगों को बड़ा जो है वो रिलीफ दिया है, तो ये एक अच्छा इंतज़ाम है। लेकिन इस